अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा मैजिक किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्विक एंड इजी मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। ये पास्ता इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि इसे बच्चे बड़े सभी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट ये टेस्टी पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप मैक्रोनी पास्ता। अब पास्ता को बॉयल करने के लिए हम पानी गर्म कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप पास्ता के लिए 3 कप पानी। अब पानी को ढककर इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। तब तक हम पास्ता में डलने वाली सब्जियाँ निकाल लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 प्याज, 1 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक और 10 से 12 लहसुन की कली, और साथ ही मैं ले रही हूँ 1 शिमला मिर्च। अब इन सभी सब्जियों को हम बारीक काट लेंगे और लहसुन और अदरक को हम इमामदस्ते में कूट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च मैंने काट लिया है। अब हम इमामदस्ते में अदरक और लहसुन कूट लेंगे और इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा था उसे चेक कर लेंगे। पानी भी अब बॉयल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप पास्ता जो हमने निकाल कर रखा था। मैं छोटे वाले मैक्रोनी पास्ता का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी डिजाइन का पास्ता ले सकते हैं। इसे हम थोड़ा चलाकर ढक देंगे और 4 से 5 मिनट इसे बॉयल होने देंगे। पास्ता को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस इसे हमें 4 से 5 मिनट ही कुक करना है। पास्ता को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। अब इसे हम इस तरह चाकू की मदद से चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पास्ता अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब पास्ता को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद इसमें हम 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज। प्याज डालकर इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेंगे, जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए हरी मिर्च। मिर्च डालकर इसे भी हम 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज अब ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब इसमें हम कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च डालकर इसे भी हम 2 से 4 मिनट कुक कर लेंगे। मैं यहाँ शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आपको अगर शिमला मिर्च नहीं पसंद है तो आप किसी भी सब्जी का यूज कर सकते हैं। शिमला मिर्च डालकर इसे मैंने अच्छी तरह कुक कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शिमला मिर्च, प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह पक गए हैं। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालकर इसे हम 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह कुक कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। मैं नमक इसमें 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सब्जियों को मैंने अच्छी तरह मसालों के साथ भून लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पास्ता मसाला। पास्ता मसाला डालकर इसे हम 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह कुक हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स, पानी डालकर इसे मैंने 2 से 3 मिनट कुक कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 चम्मच टमाटो सॉस। अब इसे हम अच्छी तरह मसालों के साथ मिला लेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सॉस और सब्जियां अच्छी तरह पक गई है।
अब इसमें हम बॉयल किए हुए पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालकर इसे हम सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट कुक कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, पास्ता को मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह कुक कर लिया है और पास्ता अब अच्छी तरह पक गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया दिख रहा है पास्ता और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। आप मेरे बताए हुए इस पास्ता की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर देखें, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।